हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में नंबर नेम सीखेंगे। ठीक है, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। ठीक है, तो कुछ नंबर दिए हैं हमें, इसका नंबर नेम लिखना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, चलो हम बता देते हैं कि इसकी एक टेबल होती है। ठीक है, एक टेबल सब बच्चों को याद होनी चाहिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, हमने पहले अबेकस में सीखा था ना, ऐसे ही। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, ओ का मतलब वंस, टी का मतलब टेंस, एच का मतलब हंड्रेड और टी एच का मतलब थाउजेंड। ठीक है, तो सबसे पहले इस नंबर को लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा सिक्स, ठीक है, पीछे से लिख लेंगे, फिर वन, फिर टू, सेवन। अब इसका हम नेम लिख देंगे। ठीक है, नंबर का नेम लिख देंगे। तो सेवन किसके सामने आ रहा है? थाउजेंड के सामने। तो इसको लिख देंगे सेवन थाउजेंड। ठीक है, टू किसके सामने आ रहा है? हंड्रेड के नीचे। ठीक है, तो टू हंड्रेड। ओके, अब वन किसके सामने आ रहा है? टी के सामने, और ये कितना है? सिक्सटीन है, तो टू हंड्रेड सिक्सटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8972, इसमें भी वही लिख लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो नंबर लिख लेते हैं 8972। अब इस नंबर का भी नाम लिख लेते हैं, तो एट, एट थाउजेंड, तो एट थाउजेंड, नाइन हंड्रेड, नाइन हंड्रेड सेवेंटी टू, सेवेंटी टू। ऐसे ही और क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये भी वैसे ही है, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, थाउजेंड के नीचे कितना है? थ्री है, तो थ्री, तो क्या हो जाएगा? नेम लिख देते हैं नंबर का, नंबर नेम थ्री थाउजेंड। ठीक है, अब हंड्रेड के नीचे तो जीरो है, तो जीरो हंड्रेड तो लिखेंगे नहीं, और सीधा फिफ्टी टू, फिफ्टी टू। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसके नीचे ऊपर लिख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, तो कितना है? एट थाउजेंड हो जाएगा, एट थाउजेंड, सेवन हंड्रेड, सेवन हंड्रेड, ट्वेंटी। तो इस तरीके से सब बच्चों को करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम, कि उसमें नंबर के नेम दिए हैं, उसे हमें नंबर लिखना है। ठीक है, नंबर के नेम को पढ़ के नंबर लिखना है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, उसी तरीके से करना है जैसे पहले सीखा था, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये नंबर का नाम दिया है, इससे हमें नंबर लिखना है। ठीक है, तो वैसे लिख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? एट थाउजेंड, तो थाउजेंड नीचे कितना लिख लें? एट लिख लेते हैं। नाइन हंड्रेड, तो हंड्रेड के नीचे कितना लिखना है? नाइन लिखना है, नाइन हंड्रेड बोला है। फोर्टी फाइव, तो फोर्टी फाइव, इस तरीके से करना है। ठीक है सब बच्चों को, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्स बोला है, तो फिर से वही लिख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो क्या आएगा बताओ? सेवन थाउजेंड, तो थाउजेंड के नीचे कितना लिखना है? सेवन, टू हंड्रेड, तो टू हंड्रेड। ठीक है, टेंस की तो बात नहीं की है, या सिक्स बोला है सीधा, टू हंड्रेड सिक्स, तो सिक्स कहाँ लिखना होता है हमें? लास्ट में। तो यहाँ कुछ नहीं बोला है इसमें, तो हमें यहाँ क्या लग देंगे? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें वैसे लिख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, तो कैसे लिखना है? सेवन हंड्रेड बोला है। ठीक है, तो थाउजेंड तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं लिखना है, तो हमें सेवन हंड्रेड, तो हंड्रेड बोला है, तो हंड्रेड के नीचे लिख लेते हैं सेवन। ठीक है, फोर्टी नाइन, तो फोर्टी नाइन, तो ये सेवन हंड्रेड फोर्टी नाइन हो गया। ठीक है, थाउजेंड है ही नहीं, तो आप चाहो तो जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500, ठीक है। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। 2000, तो थाउजेंड नीचे कितना लिख देना है, टू। 500, तो 500, आगे कुछ बोला ही नहीं है तो जीरो जीरो। तो इस तरीके से सब बच्चों को करना है, ठीक है। आपको होमवर्क मिल जाएगा, आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है, अच्छे से समझनी है, फिर इसके बाद होमवर्क करना है इस वीडियो को देख के। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहो।